सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ब्लूटूथ स्पीकर। चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले आपको कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है और ये एक PAM8403। इसे मैंने अपने पिछली वीडियो में भी यूज़ किया था। मैं आपको इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आपको चाहिए एक स्विच, एक बैटरी, सम वायर और एक स्पीकर। बस फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्पीकर को खोल लेता हूँ। गाइस, इसको खोलने में ज़्यादा देर लगती है, तो ये लेंथी काम है, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको खोल लिया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ सोल्डर करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये थोड़े तीन तीन वायर दिखे होंगे आपको, थ्री थ्री होल्स। इन दोनों को हमें आपस में कनेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब हमें इस पर सोल्डर करना है। इन दोनों की सेंटर वाली वायर ग्राउंड होती है और इसकी साइड साइड वाली लेफ्ट और आउट राइट होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी इस साइड वाली वायर लेफ्ट आउट है और इधर की राइट, और ये देखिए सेंटर में ग्राउंड। इसमें आपको मार्किंग मिल जाएगी और दूसरे वाले में शायद से आपको मार्किंग मिले। इसके ऊपर मैंने डबल साइडेड टेप लगाई थी इसको स्टिक करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें इतना तो पता ही है कि इसमें ग्राउंड और राइट लेफ्ट कौन सा होता है। तो मैं इसको सोल्डर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार। अरे फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया? अरे यार, करो जल्दी से लाइक वीडियो को और जितना हो सके इसको शेयर करो। ये बनाना आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसे बनाने में। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, मैं फटाफट इसको वीडियो स्किप करके सोल्डर कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस पर सारे सोल्डर कर लिए हैं। अब इसके बाद आपको इसमें एक स्पीकर के आउट की वायर सोल्डर कर देनी है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले इसमें स्पीकर के आउट वायर सोल्डर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसमें पावर सप्लाई की वायर सोल्डर कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, हमें पावर सप्लाई के लिए यह 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इसको वायरलेस बनाना है। तो फिर हम इसको क्यों वायर से चलाएँगे अगर हमें इसे वायरलेस बनाना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं सोल्डर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं फटाफट से स्किप करी जा रहा हूँ बार बार। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पर स्पीकर की वायर सोल्डर कर दिया है। अब इसके बाद हम इस पर अपने दोनों को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी पावर सप्लाई की भी तो वायर देनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इन दोनों को जल्दी से सोल्डर कर लेता हूँ। अब मैं इसको देखिए फ्रेंड्स, इसका आपको पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपका फिर ये वर्क नहीं करेगा। फिर आप मुझे कमेंट करेंगे कि भाई हमारा तो चला नहीं, आपका कैसे चल गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमेशा कंप्लीट देखना, एंड में आपको सब कुछ मैं बताऊंगा दोबारा से इसके कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, इसमें सोल्डर करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इस पर जल्दी से सोल्डर कर लेता हूँ स्किप करके। तो फ्रेंड्स, मुझे बैटरी चार्ज करने के लिए कोई मॉड्यूल नहीं मिला, तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट चार्जिंग में लगाऊंगा। पर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा कि ये इसमें अटके भी ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसके बटन की जगह बनानी पड़ेगी। बटन की जगह मैं इस यहाँ पे पीछे की साइड बना लेता हूँ, और USB की मैंने इसमें पहले से बनी हुई थी, तो मैं इस USB को देखिए इसके बिल्कुल अंदर से अच्छी तरह से इसके अंदर लगा दूँगा, जिससे इसका फेस एक साइड को बाहर को आ जाए पहले। सो फ्रेंड्स, पहले हम इसके बटन की जगह बना लेंगे। बटन की जगह बनाने के लिए हमें इस पर मार्किंग लेनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, बटन कट करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं इसको स्किप करके काट लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद पर सबसे पहले आप इसका सर्किट समझ लीजिएगा। आपको इसमें दो आउट की मिलेगी, आपको यहाँ पे दो आउट की वायर मिलेगी, इसके ऊपर आपको स्पीकर की वायर सोल्डर कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे थ्री वायर दिखेंगी, इसके ऊपर आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल पर सोल्डर करनी है। उसके बाद आपको ये 5 वोल्ट की आपको वायर यहाँ पे सोल्डर करनी है। और ब्लूटूथ मॉड्यूल में फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा पास है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा होता है, मेरी फिंगर के 1 इंच के जितना, और ये भी देखिए दोनों का। फ्रेंड्स, आप साइज़ भी देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा छोटा है, और स्पीकर के मामले में तो देखिए फ्रेंड्स कितना छोटा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी बैटरी की वायर सोल्डर करूँगा, पर उससे पहले हमें अपने पुराने टॉपिक पर चलते हैं, जो था हमारा बटन की जगह। बटन की जगह मैं ऐसे करके इसको लगा लेता हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, मैं वीडियो स्किप कर लेता हूँ अभी। तो
तो फ्रेंड्स अब मैंने इसमें स्विच लगाने की जगह बना दी है। अब इसमें हमारा स्विच ऐसे आ जाएगा। अब उसके बाद हमें ये यूएसबी की जगह अच्छी तरह से बनानी है। अब इसके अंदर जगह पहले से बनी हुई थी तो मैं इसमें यूएसबी को फिट कर लेता हूँ। यूएसबी को भी फिट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो फ्रेंड्स सबसे इजी तरीका ये है, आप एक कटर लीजिएगा, हल्का हल्का उसको ऐसे करके इसके ये जो आउटलाइन है इसको थोड़ी सी काट दीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी यूएसबी केबल आराम से इसके अंदर चल जाएगी। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आई है तो ही मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर दो, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूँ मैं आपके लिए, तो आप मुझे सपोर्ट कर दो। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके बटन लगाने की जगह बना दी है, ये देखिए मेरा बटन इसमें आराम से फिट आ गया। तो फ्रेंड्स अभी बटन पे भी हमें सोल्डर करना है, तो इसलिए मैं बटन को दोबारा से बाहर निकाल लेता हूँ। अब उसके बाद फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसको अंदर ही रखता हूँ। ये है हमारी यूएसबी केबल, इसको हमने इसके अंदर फिट कर देनी है। इसको आराम से फिट करिएगा और इसके बाद हमें यहाँ पे इसको फेविक्विक से अच्छी तरह चिपका देना है। जैसे कि हम इसमें लगाएंगे चार्जर में तो ये अपने आप चार्ज होने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसके सर्किट की। तो सबसे पहले हमें इसके बैटरी के ऊपर ये दो वायर लगानी होंगी, पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को नेगेटिव पे। और फ्रेंड्स अब आप बात करेंगे कि आप इसके पावर की सप्लाई मॉड्यूल में कहाँ पर दोगे, तो फ्रेंड्स मैं इन दो वायर को बीच में से बिल्कुल अभी कट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने कट कर दी, अब इन दोनों को मैं अच्छी तरह से पील कर लेता हूँ। फ्रेंड्स पहले हम बैटरी पे आ जाते हैं, बैटरी सोल्डर तो मैंने की हुई थी। अब उसके बाद ये देखिए हमें ये लगा दी है। अब जैसे ही हम इसको यूएसबी में लगाएंगे तो ये चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और फ्रेंड्स आपको बैटरी सिर्फ 15 मिनट चार्ज करनी है, पूरे चार्ज करेंगे तो बैटरी आपकी ख़राब हो सकती है, क्योंकि मेरे पास अभी चार्जिंग मॉड्यूल नहीं है। पर अगर आप चार्जिंग मॉड्यूल लगाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इनको मैं अच्छी तरह पील कर लेता हूँ और उसके बाद इन दोनों को अच्छी तरह जोड़ लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैंने इस पर ऐसे कर लिया है, अब इसके बाद आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स आपको इसकी नेगेटिव वायर इस पर परमानेंट लगा देनी है। परमानेंट लगाने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से टेप कर लेना है और जो हमारी पॉजिटिव होगी उसको हमें यह स्विच से कनेक्शन देना है। तो मेरे पास अभी वायर नहीं है तो मैं कहीं से ढूंढ के लाता हूँ वायर और वीडियो स्किप करके इस पर सोल्डर कर लेता हूँ स्टार्ट। तो फ्रेंड्स अब मैं इसके देखिए मैंने दो वायर अटैच कर लिया है, अब इन वायर को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अंदर डालते ही हम अपना स्विच लगा लेंगे। मैं इसके नीचे को इसका फेस कर रहा हूँ, ये देखिए हमारा बिल्कुल टाइट फिट हो गया है। ये हमारी जो दो वायर, तो फ्रेंड्स इसकी वायर पीछे से बाहर निकल गई है। इसके बाद मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से इसको लगा लेता हूँ। एक वायर को आपको लगाना है बैटरी की वायर पर और दूसरी को लगाना है हमारी मॉड्यूल की वायर पर। तो फ्रेंड्स माइक की वजह से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती, तो अभी मेरा माइक गिर गया तो मैं माइक को अच्छी तरह अपने ऊपर फिट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं वीडियो अभी स्किप नहीं कर रहा क्योंकि आपको ये मेन चीज़ पता होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स एक मैंने बैटरी के ऊपर लगा दी और जो हमारी चार्जिंग की से आ रही थी उसको भी हमें इसके ऊपर लगा देना है। ये थोड़ी छोटी है तो मैं इसको अच्छी तरह से पील कर लेता हूँ और मैं इसके ऊपर टेप भी लगा लूँगा। और फ्रेंड्स मैं आपको टेपिंग करने के बाद इसको अंदर लगाने से पहले अच्छी तरह कनेक्शन बता दूँगा। वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, शुरू से दोबारा देख लो वीडियो अगर आपको उस समय नहीं आया। अब मैं इसको फटाफट से टेप कर लेता हूँ और उसके बाद आपको सारे कनेक्शन बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैंने इसके अच्छी तरह से टेपिंग कर ली है, अब उसके बाद मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। ये थ्री वायर को आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल पे लगाना है, दो वायर आपको पावर पे लगानी है और ये दो वायर आपको स्पीकर पे लगानी है। अब मैं इसको अंदर अच्छी तरह फिट कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें ये यूएसबी केबल को फिट करना है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको अच्छी तरह से फिट कर लेता हूँ वीडियो स्किप करके। फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छी तरह से पैक कर लिया है, अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए इतना छोटा सा बन गया, ये हाथ में भी आ जाएगा। ये देखिए इसका बटन जैसे ही ऑन करते हैं अब देखिए ये एक आवाज़ आ गई है। अब इसके बाद मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फ़ोन से। मैं आपको एक NCS म्यूज़िक चला के दिखा देता हूँ। अभी फ्रेंड्स इसको कनेक्ट होने में थोड़ी देरी लगती है, अब देखिए ये कनेक्ट हो गया है।
तो चलो अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले ये बात थोड़ी स्लो कर लेता हूँ। ये देखिए, NCS का एक म्यूज़िक है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी सही आवाज़ आ रही है इसमें से। अब मैं आपको सिंपल, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक सिंपल NCS का म्यूज़िक चला रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इजी आता है, इसे अपनाना बहुत ज़्यादा है। तो आप बताइए वीडियो कैसी लगी। ये देखिए, सेम गाना, सेम स्पीकर। ये देखिए, ये देखो कितना सही वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ यार, सपोर्ट करो मुझे। थैंक यू एंड बाय बाय।